पुलिस लाइन में रविवार को एसपी ने क्राइम मीटिंग कर जिले भर के थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अपराध समीक्षा बैठक में महिला अपराध से जुड़े मामलों को लेकर एसपी अमित रेणु काफी गंभीर दिखे। जिन थाना प्रभारियों का महिला अपराध से जुड़े मामलों में अपराध अनुसंधान सुस्त था, उन थाना प्रभारियों को एसपी की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। 4 घंटे तक चले बैठक में एसपी अमित रेणु ने हर थाना प्रभारियों को एक प्रकार का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि महिला अपराध से जुड़े किसी मामले में सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संभव हो तो महिलाओं से जुड़े किसी मामले की घटना की जानकारी मिलने पर खुद थाना प्रभारी ऑन द स्पॉट पहुंचे और जांच करें। एसपी ने इस दौरान यह भी कहा कि जिन थानों में दुष्कर्म, दहेज हत्या, यौन शोषण से जुड़े मामलों के आरोपी फरार हैं, वैसे मामलों के फरार आरोपियों को दबोचने का हर संभव प्रयास करें। इसमें असफलता मिलने पर वैसे आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती कर कार्रवाई में तेजी लाएं। बैठक में प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बेंजामिन के अलावे एसडीपीओ नीरज सिंह, विनोद महतो, डीएसपी विनोद रवानी, डीएसपी संतोष मिश्रा समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। तो किसमें रिकवरी हो गई है सर? मैं प्रमाणित कर लिया गया है। इसमें इलाका के और अरेस्टिंग के लिए वारंट के लिए भी सब चेक किया गया है। देखिए आप लोग जान चुका हूँ, अभी भी इतना फिर से बता देना चाहूंगा, विमेन संबंधित जो अपराध केस आता है उसी नंबर के थ्रू कंप्लेंट आएगा। महिला संबंधित अपराध भी पड़े हैं, उसको लेकर के बीच बीच में हमारे द्वारा कई बार आपको निर्देश दिया गया कि जागरूकता अभियान चलाए, कई सारे डिस्ट्रिक्ट अभियान जब भी आप लोग चलाते हैं किसी क्षेत्र में जाते हैं आप लोग अपने क्षेत्र में 376 रिलेटेड क्राइम गांडिया थाना